सेकंड टर्म में मुझे लग रहा है यही चीजें आएंगी आपके पास। तीसरा कलमा सुनाओ। तीसरा कलमा तमजी तमजी मैं जुड़गी बयान करना सुभान अल्लाह अलहम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहि अलअलीज़िल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जो है जनाब, कल जो है वो पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से जो है वो हार गया था। कल हम इतनी दुआएं मांग रहे थे, इतनी दुआएं मांग रहे थे बच्चे भी और मैं भी, कि अल्लाह करे बारिश आ जाए और पाकिस्तान पाकिस्तान को भी एक पॉइंट मिल जाए। जैसे लास्ट यानी कि हुआ था, लास्ट मैच में हुआ था, एक एक पॉइंट मिल गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बस जी ऐसे ही होता है कि बस फिर दिल को तसल्ली दे के चलें जी। ये जो खेल होते हैं इसमें तो जो है वो हार जीत जो है वो चलती रहती है। इसी तरह से किसी ने जीतना होता है, किसी ने हारना होता है। यहाँ पे जो है वो मैं झटपट से जो है वो चिकन आलू चिकन बना रही थी, और मैंने मैरिनेट करके पहले रख दिया था। फिर जैसे जो छक्के चौके लगे हैं ना, फिर मैंने उसको बंद कराया टीवी को। मैंने कहा इसको बंद कर दो क्योंकि मुझसे नहीं देखा जा रहा। फिर मुझे ऐसे होता है कि ना ये बंद कर देंगे, थोड़े चलाएंगे तो भी ऐसा होगा कि शायद कोई आउट हो जाए। लेकिन कल ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। हमारे बचपन में तो ऐसे ही होता था कि हम बंद कर देते थे, जैसे कोई छक्के चौके लगा देते थे कोई दूसरी टीम जो होती है तो दोबारा चलाते थे ना, तो कोई ना कोई आउट हुआ होता था। फिर इतना खुशी होती थी ऐसी इस तरह से। और यहाँ पर जो है वो मैंने अच्छा मैंने अपने कल गम के चक्कर में ना इसकी फाइनल जो है ना वो भी मैंने इसकी नहीं की। मैंने इसकी कोई पिक्चर वगैरह या वीडियो वगैरह नहीं बनाई। मैंने जो आलू चिकन बनाया था जो इतना झटपट बनता था, इतना मज़े का बनता है। बस आपने जो है मैरिनेट करके उसके बाद जो है प्याज ब्राउन करना है, उसके बाद जो है वो मैरिनेट किया चिकन उसको फ्राई कर देना। जब उसका कलर जो होता है वो चेंज होता है, उसके बाद जो आपने सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देने होते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर जो है वो मैं बनाना वो खा रही थी दही भले। तो जनाब यहाँ पर जो है वो ना यहाँ पर जो उन्होंने सैलड वगैरह नहीं दी थी तो मैंने खुद ही ऊपर से डाल ली थी। यहाँ पे जो है मैं चाय बना रही थी अपने लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है ना जैसे मैं बचपन में जो है वो अपने बचपन से मतलब थोड़े से ज़्यादा पड़ी, यहाँ पे जो है वो मैं कॉफ़ी की यानी कि शक्ल में ऐसे इस तरह से देती थी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि चाय ली उसके ऊपर से जो है ना ऊपर से गर्म गर्म जैसे धूप के ऊपर झाग आ रही होती है ना और बलाई वगैरह वो मैं अपने उसके ऊपर डाल के इसको कॉफ़ी की शक्ल देकर ना इस तरह से पीती थी। तो अभी मेरी यही आदत है, कभी कभी जैसे साथ साथ जैसे दूध बॉयल हो रहा था चाय बन रही होती है तो मैं इसी तरह करती हूँ, इसको लेती हूँ और इस तरह से ऊपर से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह करके और इस तरह से पीते हैं तो बहुत मज़े की लगती है। तो जनाब ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जो है आपने इसको लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपसे मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।